अभी मैं हूँ ट्रेन में और तुम लोग सोच रहे हो अचानक से मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस ये है ट्रेन और मैं जा रहा हूँ अभी जर्मनी। एक काफ़ी फन वाटर पार्क है। तो अभी मैं मॉर्निंग निकला था, अभी जर्मनी में पहुँच गया हूँ। सुबह में काफ़ी रश था तो मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ट्रेन, मतलब 3 आवर्स की ट्रेन है तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो हमें ज्यूरिख से जर्मनी के लिए थी। और ये रहा मेरा बैग, ये रिसीव कर लिया फ्रेंड्स। तो अभी मैंने कुछ खाने के लिए सैंडविच जैसा इसी प्लेस पे, तो अब इन्जॉय करते हैं और आपसे दिखाते हैं जर्मनी का कुछ अच्छा सा पार्ट। हे गाइस, सो फाइनली ट्रेन से उतर गया है और यूरोपा पार्क है जहाँ हमें जाना है। और थोड़ा ये विलेज टाइप का एरिया है, देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे लाइक 2 ट्रेन चेंज करने के बाद ये रहा वो बस स्टेशन जो ऑलरेडी बस डिपार्चर हो गई यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह ये, काफ़ी बढ़िया मज़ा भी आ रहा है। सो गाइस, स्टेशन पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि जो बस डिपार्चर हुई थी तो आज वीकेंड है, तो बस ऑल्टरनेट डेज रहती है यहाँ पे, मतलब ऑल्टरनेट आवर्स में रहती है। तो अभी टाइम अराउंड 10:30, तो नेक्स्ट बस है 11:30 के लिए। और अभी थोड़ा टाइमिंग इशू के कारण हमारा हो नहीं पाया, बट ये देख सकते हो ये SBB है, ये सेम ट्रेन है जो स्विट्जरलैंड ज्यूरिख जाती है। तो अभी मे बी हमें थोड़ा वेट करना होगा इस स्टेशन पे, और अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन टैक्सी का भी है, वॉक का भी है, तो वी कैन गो। सो गाइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बस जा चुकी है एंड वी हैव ऑप्शन फॉर दिस ओनली। तो अभी चलते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं पीछे फिट होने की कोशिश करते हैं। टैक्सी में बैठ चुका हूँ मैं और यूरोपा पार्क जाने के लिए टाइम अराउंड हो रहा है 10:40। तो अभी क्या बढ़िया प्लेस है, देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रोड्स और काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी है। सो गाइस, ये है रांटिका जहाँ पहले हम लोग को जाना है, बट इसके पहले हम लोग जाएंगे दूसरे पार्क में। सो गाइस, फाइनली आ चुके हम लोग यूरोपा पार्क और ये रहा कैब जिससे मैं गया था और ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, देख सकते हो, लाइक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी ज़रूर अंदर जाएंगे और तुम लोग दिखा दो, ये पार्किंग एरिया है और ये रहे सारे रोलर कोस्टर राइड्स यहाँ पे। सो गाइस, एंट्रेंस से हमने टिकट ले लिया है और आ चुके हैं अटलांटिका के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाटर पार्क है। ये पूरा ब्लॉग मैं इस पर बनाऊँगा, तुम लोगों को बताऊँगा कि हमें कितने रुपये लगे भी थे। मतलब अभी मैं तुम लोग बता देता हूँ कि एक्चुअली हमें पे करना पड़ा था, मैंने ज्यूरिख से सीधा ही टिकट्स लिया था ट्रेन का जो SBB है, तो अराउंड हमें पड़ा था 120। तो आना जाना प्लस ये वाटर पार्क और रोलर कोस्टर राइड सब इंक्लूडेड इसमें है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो।
बाद काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉरर हाउस में, देख सकते हो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी हॉरर हाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस टाइप का हॉरर हाउस है। अभी नेक्स्ट राइड पर आ चुका हूँ मैं और सीधा एकदम टॉपेस्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी लाइन है एंड या तुम एंजॉय करो ब्लॉग तो बताओ कैसा लग रहा है। मतलब कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस था यार रोलर कोस्टर राइड। क्या विनेश कैसा था बताओ इधर? बहुत ज़्यादा यार, मतलब ये मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। लाइक इनका तो रोलर कोस्टर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे डेंजरस टाइप का था, बट हम दोनों साथ बैठे थे तो मज़ा आया। हाँ पूरा व्हील पे अपने भरोसे चल रहा था वो, एक्चुअली अब मतलब पूरे व्हील के भरोसे ही चल रहा था। मतलब मुझे तो लगा कि फिकाना जाओ, बट इवन मैं गोप्रो निकाला तो उस बंदे ने पहले ही मना कर दिया गोप्रो मत ले जाओ वरना। और यहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ से निकल के अब मैं आ गया हूँ दूसरे वाले रोलर कोस्टर राइड पे। क्या अविनेश रेडी एक्साइटेड दूसरे वाले के लिए? तो गाइज अभी चलते हैं दूसरे वाले रोलर कोस्टर राइड पे और मिलते हैं। तू लोग बताओ यार ये सब सेम क्लिप दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि मैं सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द कलर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कभी मैं सनलाइट में आ रहा हूँ कभी शेड में आ रहा हूँ। तो ये ऑटो एडजस्ट पहले नहीं कर रहा था बट अभी मैंने वापस ऑटो एडजस्ट पर डाल दिया है। तो अभी देखो तुम लोग बताओ कमेंट्स करके। सो गाइज ये तो लाइक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था यार मतलब, बट फिर वही है कि मेरे को गोप्रो अलाउड नहीं था अंदर में तो, बट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, काफ़ी मज़ा भी आया। तो अभी चलते हैं आई थिंक दूसरे वाले राइड पे। और तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं है ना, मतलब ये इंडिया का हरकत हमारा जाएगा नहीं। लोग भी भाई हम लोग को देख रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, मतलब यहाँ रस्सी से फान फून के चल जा रहे हैं बट ऐसा करना नहीं चाहिए। तो अभी चलते हैं दूसरे राइड पर, वो दिखाते हैं आपको अच्छे से, उसमें तो मैं पकड़ लूँगा यार गोप्रो कोई दिक्कत। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं
वाटर स्प्लैश में एक्चुअली जितना भी राइड्स हमारा हो चुका है डन, सारे नहीं हुए हैं, मतलब जितने भी रोलर कोस्टर से हो चुका है डन, तो रोलर कोस्टर सीधा आ गए हैं हम लोग अभी वाटर वाले रोलर कोस्टर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी देर से लाइन में भी लगे हुए थे। बताओ यार कैसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, और हम लोग बस लाइन में लगे हुए हैं, तो थोड़ा फास्ट होती तब मज़ा आएगा। अभी तुम लोग एक बार देख लो यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचा राइड है, वो है मर्सिडीज़ का राइड, और ये जो ब्लू वाला है ये तुम्हारा वाटर वाला, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस फाइनली काफ़ी देर, एक घंटे ऑलमोस्ट खड़े रहने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वाटर वाले राइड पे, और अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वहां तक पहुंचे। मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लाइन था गाइस, मतलब ये तो वीडियो में तुमने ऐसे दो मिनट में स्किप होकर यहां तक आ गया, बट ये काफ़ी बड़ा लाइन था, हालत ख़राब हो गया। बट ये इसका एम्बियंस देखो यार, क्या बढ़िया थीम पर बना रखा है, इजिप्शियन थीम है ना, अभी ये जो थीम है वो ग्रीक थीम है, तो अभी देख सकते हो। सो गाइज ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग राइड था। देखो यार क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जैसे ही गोप्रो लेके बैठा तो उस बंदे ने कहा कि यार यहाँ पे ना थोड़ी राइड उस टाइप की है, मतलब थोड़ी डेंजरस भी है और चीज़ें थोड़ी सेफ्टी में मेंटेन रखना रहता है, इसलिए उन्होंने पहले ही जैसे ही मैंने बंद किया उसने वैसे ही मेरे से गोप्रो उसने ले लिया। तो गाइस देखो मैं ग्रीस थीम में आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। अब वापस आ गए हम लोग दूसरे राइड पे जिसका नाम है पेगासस, और ये भी एक रोलर कोस्टर राइड है, और ये लाइक काफ़ी बड़ा, ये भी काफ़ी ऊंचा राइड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्या श्रेया मज़ा आ रहा है रोलर कोस्टर में? सो गाइस रोलर कोस्टर में लाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और ये लाइक काफ़ी बड़ी लाइन नहीं है, जितना हमने एक घंटे लगा था वाटर राइड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था राइड, काफ़ी क्विक है। हाँ ये तो काफ़ी क्विक है, मतलब हम बस एंटर किए और बस ये रहा, ये स्टेयर्स है, तो बस हमें बस ये राउंड कंप्लीट करना है, और ये भी भाई काफ़ी क्विक बढ़ रहा है, तो बस पहुंच जाएंगे थोड़ा जल्दी, तो तुम लोग दिखाता हूँ पेगासस। सो गाइस जो मोस्ट वेटेड अवेटिंग मेरा था रोलर कोस्टर वो है ये वाला मर्सिडीज़ का, और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं कोई भी राइड नहीं कर रहा, तो क्योंकि किसी में भी अलाउड नहीं है, और मैं अपना वो बैंड ले के रहा हूँ, बस ये मेरे पास तुम लोग कैसे दिखाऊँ, ये बस मेरे पास ये वाटर वाला है, तो अभी मैं इसको थोड़ा चार्ज करूँगा, अभी मैं इसको बंद करूँगा थोड़ा, तुम लोग अंदर दिखा दूँगा कार्ड लगा मर्सिडीज़ का वहाँ पे, उसका इसको चार्ज करूँगा एंड देन फिर तुम लोग दिखाऊँगा। तो अभी तक आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो मर्सिडीज़ की पूरी हिस्ट्री दी हुई है, और यहाँ पे हाइट कितना है, मीटर्स कितना है, बाकी सारे डिटेल्स मेंशन है, तुम लोग देख सकते हो, पॉज करके भी तुम लोग देख लेना कि कैसे कैसे मर्सिडीज़ ट्रांसफॉर्म होता है हर ईयर में। और ये तो एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। सो गाइज स्टिल मैं लाइन में ही हूँ, और देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन हो गई है, और यहाँ पे लाइक अब देख सकते हो मे बी थोड़ा टाइम और लगेगा वहाँ पहुँचने में। ओह सॉरी ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है गाइज, हे
हैं गाइस, तो अभी आ गए हम लोग ब्लू फायर में। और तुम लोग को मैं ये भी दिखाता हूँ, ये लाइक वाओ काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला रोलर कोस्टर राइड है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो अभी हम मैं और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं हम लोग सब इसमें जा रहे हैं, देख सकते हो ये लाइक कितना ही बड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। तो ये थोड़ा इसका लाइन काफ़ी बड़ा सा है। अभी मेरे को सबसे पहले ये लाइन में को खड़ा होना पड़ेगा, फिर यहाँ से इस साइड में आना है। और देख सकते हो ये कुछ अल्टीमेट लेवल का ये रोलर कोस्टर राइड है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है तुम्हें। तो अभी चलते हैं लाइन में रखते हैं और रोलर कोस्टर लाइन के लिए, और मिलते हैं आपसे अभी। अविनेश से कैसा था एक्सपीरियंस मर्सिडीज का, मतलब रोक कैसा मज़ा आया? भाई बहुत गंदा था, बहुत सही था, मतलब सही वाला गंदा था मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और इससे पहले कभी किया था बड़ा वाला राइड? इतना बड़ा वाला नहीं था बट किया था, बट ये बहुत ज़्यादा सही था। एग्जैक्टली, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने क्लिप पहले नहीं किया। हाँ, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। तो अभी ये भी काफ़ी, ये सबसे बड़ा राइड है? ये नहीं, वो है मर्सिडीज वाला बड़ा था। हाँ, ये सेकंड बड़ा है, सेकंड सबसे बड़ा राइड है। तो अभी वेट करते हैं, थोड़ी बड़ी सी लाइन है बट बताया ना, जर्मनी में चीज़ें थोड़ी फास्ट हो रही है, नॉट लाइक इन इंडिया। इंडिया में थोड़ी चीज़ें स्लो होती है, तो यहाँ पे चीज़ें फास्ट हो रही है तो मज़ा भी आ रहा है। तो चलते हैं अभी और वेट करते हैं। फाइनली राइड करने के बाद मैं आ चुका हूँ एक प्लेस पे जहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का था। तो अभी मैं खा रहा हूँ हॉट डॉग। कैसा हॉट डॉग है? वेरी जूसी और काफ़ी टेस्टी है। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम हॉट डॉग ट्राई कर रहा हूँ और ये चिकन है, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा तुम लोग को दिखा रहा हूँ। मतलब मेरा काफ़ी बढ़िया रहा यार एक्सपीरियंस जगह का, एम्यूजमेंट पार्क का। तो अभी करते हैं और मैं गाइस। सो फाइनली यार ये सो गाइस रोंटिका का एडवेंचर तो काफ़ी अच्छा रहा, ये काफ़ी बढ़िया था यार पार्क, एडवेंचर पार्क। कैसा रहा आज का? टायरिंग तो गाइस ये लाइक काफ़ी बड़ा यार, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तुम लोग बताओ तुम लोग को ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट्स करो, मुझे बताओ और मुझे किस कंट्री विजिट करना चाहिए। तो आया तो मैं किसी और काम के लिए बट तो ये भी मेरे प्लानिंग में ही था यहाँ पे जाना, बट काफ़ी अच्छा लगा यार, काफ़ी बढ़िया है ये प्लेस और एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मेरे हाथ में मैप है जो कोई काम का है नहीं, क्योंकि जर्मन आती नहीं और इंग्लिश लोगों को समझ में आती नहीं। तो चलते अभी, ये रहा तुम्हारा मेट्रो का, सॉरी किड्स का जो होता है ना ट्रैम, उसका लाइन। तो अभी हम लोग चलते हैं लेफ्ट में, आई थिंक यही है लेफ्ट, तो एग्ज़िट आपसे
मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं यार हम लोग पार्क से और काफ़ी लेट भी हो गया है। 8:20 हमारी ट्रेन है और अभी हम लोग बस में है। अराउंड 8:00 हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। काफ़ी रश में हम लोग भागे हैं यार वहाँ से। टाइम का पता नहीं चल नहीं पाता, टाइम का पता भी था तो बट एड्रेस नहीं पता था कि कैसे कैसे बाहर निकलना। एग्जिट इतना कॉम्प्लिकेटेड था, अंदर घूमने में काफ़ी टाइम लगा था। तो अभी बस में है और पहुँचते हैं अपने स्टेशन और फिर मिलता है। फाइनल बादल बैड में पहुंच चुके हम लोग। बादल बैड में पहुंच चुके हैं और सारे फ्रेंड्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी कुछ लास्ट कुछ आवर्स यूरोप में कैसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ मोमेंट है यूरोप में। I want to go back. You want to go back? Yes. अरे यार देखो ऐसे भी लोग हैं यार, बट मेरे को तो एकदम मन नहीं कर रहा, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है गाइस, क्योंकि बुरा तो लग रहा है। क्योंकि अब 24 आवर्स भी नहीं है मेरे पास, है ना ब्रो? है क्या 24 आवर्स यहाँ पर? है ना, आपके पास तो घंटे भी नहीं है। मेरे पास तो गिन के घंटे बस बचे हैं, तो अभी बस चल रहा है ऐसे हमारा। जमीन पे सोए हुए गाइस, ये तो एपिक हो गया। कभी सोचा था स्विट्जरलैंड में ऐसे लेटेंगे प्लेटफॉर्म पे? नहीं यार। मालूम हो गया कब। बहुत गंदा गाना है, देवला की चोट मलम ने गेंद फाड़ दी। हम तो बस सुनाते हैं, रुको सुनो भाई, मेरे पास तो इंटरनेट ही नहीं है। गरीबी यार। डाउन टू अर्थ। माउंटेन है? हाँ पहाड़ है, तो दिखाता रहा हूँ ना। हाँ तो मैं तो देख तो रहा हूँ, पहाड़ है। जूता लगा। कौन सा पहाड़ है वे? देखो गाइस ट्रेन छूट गया है, जर्मनी बैठे हुए, पता नहीं घर कैसे पहुंचेंगे। ऐसा भी नहीं है, एक कितने यूरोस बचे तेरे पास? मेरे पास तो बच्चे हैं बट मेरे को उसको लौटाने। मतलब सही बोल, बस ये चीज का क्या हिसाब था? नहीं होने रैंडम प्लॉट, ये नहीं रिकॉर्ड कर सकता भाई। अब तो देर हो गई यार। अरे बता ना यही पे आएगी क्या ट्रेन? 13.1 देने हैं आपको मुझे। हाँ। अभी कैश है आपके पास? तो सीए चल देता हमारा। देखो गाइस अभी यूरोप में आने वाले इतने ही पैसे बचे हैं, देख सकते हो। 2 euros 50 सेंट्स 20 सेंट्स तो ये लिखे क्या है कि सब कभी नहीं चलता है बहनचोद। सो गाइस यहाँ पे यहाँ से इंडिया जाने के लिए बस इतने ही पैसे बचे हैं। अरे चिल्लर नहीं चाहिए, ये मैं अपने खपा रहा हूँ, तू और दे दे। क्या चल रहा है जिंदगी में भाई? बहुत ही महंगा जगह भाई, इतने ही लूटे पड़े। ये 80 कैसे हो गए? सुन तेरे पास है क्या कोई सबसे छोटा कॉइन? 10 cents है? कैसे कैसे लोग हैं यार, बताओ यार। पर क्यों दे दे उन्हें?
कैसे कैसे लोग हैं भाई, गिन के दो कॉइन बचा गाइस। ये भी परफ्यूम दे दे उन्हें क्या, ओ शिट आ गई बेसर एसिड भी। अभी तो बकचोदी शुरू हुई। अरे गाइस चिल्लर, फाइनली घर पहुंचने का समय आ गया है, वरना अरे अरे गाइस चलो चलो चलो, ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है गाइस। अरे भाई 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 भाग रहे, एक ही ट्रेन है भाई, स्विट्जरलैंड के लिए जर्मनी से निकल रहे हैं गाइस। पढ़ा था ना पक्का यही है। So guys, finally India is on. So guys, finally काफी सारे स्टेशन चेंज करने के बाद आ चुके हैं हम लोग स्विट्जरलैंड, और अभी ट्रेन में है तो नींद तो बहुत ज़्यादा रहा है। टाइम क्या टाइम हो रहा है ब्रो? वो भी लोड नहीं हो रहा है। अरे सो गाइस ये फोन हैंग हो गया, आई थिंक 11 बज रहा है ना। सो गाइस 11 बज रहा अराउंड, और हम लोग को एक स्टेशन है ओल्टन करके, तो अभी यहाँ से ज्यूरिख पर कितनी स्टेशन होगी, आधे चार स्टेशन है, तो चार स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद मेरे को फिर यार जाना मैं ऑफ, तो देख सकते हो दुख दर्द दर्द और पीड़ा दिख रहा है, दिख रहा है तकलीफ भी है। तो बहुत गाइस जर्मनी जाना ही भारी पड़ गया, फिर लौटना ही इतना भाई मुश्किल ट्रैवल तो आज तक नहीं किया है, थैंक्स टू चार्वी। सो गाइस दिस गो एंड फॉलो, सॉरी चार्वी, सो गो एंड फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, वो मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा। अरे हो जाता है गाइस 1000 फॉलोअर एटलीस्ट हो जाता है। हे गाइस सो हमारा उबर आ चुका है, और मैं और अविनेश, हाय अविनेश, हेलो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आराम से उबर बैठ के, तो मैं अभी पीछे ही बैठ जाता हूँ उस साइड से आ जाना। हाँ तो गाइस उधर सारा सामान मैंने एडजस्ट कर दिया, हॉस्टल भी छोड़ दिया यार, इतना सारा चीज़ें करने की थी इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। हाँ पीछे मैंने रख दिया अपना हैंड लगेज, तो अभी हम लोग एयरपोर्ट, और अभी अपना सामान वहाँ निकालते हैं। ये रही मेरी फ्लाइट्स की डिटेल, तो अभी ये रहा सारा लगेज, तो पहले सारा आराम से देख रहे थे कि चीज़ें लॉक है या नहीं, और ये रहा ज़ुरिख का टर्मिनल 2 जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो गाइज ये तो मेरा शूज़ रहा जो तुम लोग ने इसके वीडियो में देख लिया होगा, मेरे वीडियो में ही पहले वाले में, तो अभी आराम से पूरा निकालते हैं मिलता। फाइनली मैं इंडिया आ गया हूँ यार, बीच में व्लॉग नहीं कर पाया, काफ़ी सारा कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी। तो बाकी तुम लोग यहाँ से न्यू दिल्ली से मैंने म्यूनिक और स्विट्जरलैंड का मैंने तुम लोग को दिखाया ही था, बट अभी जब मैं रिटर्न हो रहा था तो चीज़ें थे कुछ खास थी नहीं दिखाने के लिए, सेम चीज़ ही हो रही थी। और जहाँ तक बात है व्लॉग का, तो बात ये हुआ कि जब मैं अपना फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था तो मैं और अविनेश एक साथ थे, बट अविनेश का थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि उसने वो आया नहीं था मतलब लुफ्तांज़ा एयरलाइन से, क्योंकि जब वो एयरलाइन जिस डे पे उसकी फ़्लाइट थी उसका वीज़ा नहीं आया था, तो उसके कारण वो न्यू दिल्ली से
आ नहीं पाया था म्यूनिक तक, तो उसका मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं हुआ था, तो उसके कारण उसका फ़्लाइट ही पूरा कैंसिल हो गया था। तो रिटर्निंग में उसने एक्स्ट्रा फिर कुछ 35,000 रुपीज़ पे किया, और तुम्हें पता ही कि मेरा 7 o'clock पे फ़्लाइट थी और उसकी 11 o'clock पे, तो 11 o'clock वाली फ़्लाइट लेके रिटर्न आया है। तो चीज़ें तो कुछ खास नहीं थी, बट मैं फाइनली इंडिया आ गया हूँ गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहा मेरा बैगेज, ये रहा मेरा शूज़, और ये रहा हूँ मैं। तो अभी चलते हैं आगे, और इस व्लॉग में यही था गाइस। और तुम लोग बताओ कैसा लगा व्लॉग, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तुम लोग से जल्द मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।